हिंदुस्तान में एक कहावत है, वो ये कि कचहरी और अस्पताल के चक्कर से भगवान बचाए, क्योंकि जो भी इनके चक्कर में पड़ा वो तबाह हो गया। खास तौर से गरीब के लिए तो मर जाने के बराबर है। भारत में दवा और अस्पताल के चक्कर में आम आदमी की कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा खत्म हो जाता है। देश में गरीब किसान मजदूरों का अच्छा टाइम लाने के लिए सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की बड़ी जरूरत है, लेकिन देश के पिछड़े तबके का इलाज करने के लिए जरूरी हेल्थ सेक्टर की खुद की सेहत नासाज है। हेल्थ सेक्टर को आज बड़े सुधारों की जरूरत है। मोदी सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी, लेकिन इसका असर जमीन पर अभी नहीं दिख रहा। कोरोना से पहले भी कई तरह की बीमारियां हिंदुस्तान के लोगों को गरीबी और मौत के मुंह में धकेलती रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। बीमारी से लड़ने के लिए सबसे पहले तो देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी होगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में एक सरकारी डॉक्टर के कंधों पर 28,391 लोगों के इलाज की जिम्मेदारी है। वहीं उत्तर प्रदेश में 19,962, झारखंड में 18,518, मध्य प्रदेश में 17,192, महाराष्ट्र में 16,992 और छत्तीसगढ़ में 15,916 लोगों पर महज एक डॉक्टर है। देश में कुल 6,00,000 डॉक्टरों की कमी है। हाल इतना बुरा है कि देश के 15,700 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे चल रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानक पर पहुंचना है तो उसे 2030 तक 27,00,000 डॉक्टरों की भर्ती करनी होगी। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ अलग अलग बीमारियों से हर साल मरने वालों की संख्या डराने वाली होती है। भारत में हर साल 24.8% मौतें हृदय रोग के कारण यानी दिल की बीमारी से होती हैं। देश में टीबी के कारण हर 3 मिनट में 2 और प्रतिदिन करीब 1,000 लोगों की मौत होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 9 करोड़ तक पहुंच सकती है। WHO की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वक्त में भारत में हर 10 में से एक आदमी को कैंसर की बीमारी होगी और हर 15 कैंसर मरीज में से एक की मौत हो जाएगी। इन सब के अलावा जापानी इंसेफ्लाइटिस, स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया, डायरिया और हेपेटाइटिस से हर साल लाखों लोगों की जान जाती है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारियां या स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याएं पिछले 5, 10 या 15 सालों की हैं, बल्कि देश की आजादी के साथ ही बीमारी की समस्या ने देश के विकास में बाधा का काम किया है। जरूरत इसे खत्म करने की है। महात्मा गांधी का सपना स्वच्छ भारत का था, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद ना तो सरकारों ने गंदगी के खिलाफ कोई कदम उठाया और ना ही समाज ने साफ सफाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी। महात्मा गांधी के सपने को ही आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाते हुए साल 2014 से अब तक 10,28,67,271 शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। 6,03,175 गांवों और 706 जिलों को देश भर में खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है, लेकिन इनमें से ज्यादातर की सच्चाई धरातल पर सरकारी फाइलों से बिल्कुल अलग है। आज भी बड़े पैमाने पर खुले में शौच किया जाता है। भारत में जिस मॉडल पर शौचालयों का निर्माण और सीवर का पानी शोधित किया जाता है वो गंदगी और जल प्रदूषण को और बढ़ा रहा है। गंदगी ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि हमारी जेब पर भी भारी पड़ती है, क्योंकि 80% बीमारियां गंदगी के कारण होती है, जिससे हमारी कमाई का अधिकांश हिस्सा बीमारियों पर खर्च हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक साफ सफाई ना होने के चलते भारत में प्रति व्यक्ति औसतन 6,500 रुपए बीमारियों पर जाया होता है। We'll be right back.
देश में सबसे गंदा और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इसके जवाब के लिए देश के 4,242 शहरों में स्वच्छ भारत सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 1.9 करोड़ लोगों ने अपनी राय रखी। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले सबसे गंदे शहरों में पहले नंबर पर बिहार की राजधानी पटना है, दूसरे नंबर पर पूर्वी दिल्ली, तीसरे नंबर पर चेन्नई, राजस्थान का कोटा शहर चौथे नंबर पर है, पांचवें नंबर पर उत्तरी दिल्ली है, छठे नंबर पर तमिलनाडु का मदुरई शहर है, सातवें नंबर पर मेरठ का नंबर आता है, जबकि आठवें नंबर पर तमिलनाडु का कोयम्बटूर है, नौवें नंबर पर पंजाब का अमृतसर, तो 10वें नंबर पर हरियाणा का फरीदाबाद शहर है। एक बात तो साफ है कि सरकार के लाख प्रयास के बाद भी जब तक गंदगी के प्रति आम जनमानस के बीच जागरूकता और स्वच्छता को अपनाने की धारणा नहीं बनेगी, तब तक पूर्ण रूप से स्वच्छ भारत का सपना साकार नहीं हो सकता है। चौदह में सत्ता संभालने के बाद एक नारा पीएम मोदी ने दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इशारा साफ था कि भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं है, लेकिन आज 2021 में भी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इसी साल जनवरी महीने में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने साल 2020 का CPI यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया है। CPI में भारत 6 पायदान फिसलकर 86वें नंबर पर आ गया है। साल 2019 में जारी हुई रैंकिंग में भारत 80वें स्थान पर था। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अब भी भ्रष्टाचार इंडेक्स में काफी पीछे है। CPI में 180 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर को आधार बनाकर रैंक जारी किया जाता है। इसमें 0 से लेकर 100 तक के पैमाने का उपयोग किया जाता है। 0 स्कोर वाला देश सबसे अधिक भ्रष्ट माना जाता है और 100 स्कोर वाला देश सबसे साफ माना जाता है। भारत का स्कोर 40 है और वो 180 देशों में 86वें स्थान पर है। 2019 में भारत का स्कोर 41 था और वो 80वें स्थान पर था। यानी एक साल में भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। इस रैंकिंग में चीन 78वें स्थान पर, पाकिस्तान 124वें और नेपाल 117वें स्थान पर है। ध्यान रहे कि ये रिपोर्ट कोरोना वाले साल की है, यानी 2020 की। रिपोर्ट से पता चला है कि कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में भी भ्रष्टाचार अपनी पैठ बना चुका है। बात चाहे कोरोना की जांच की हो या उसके उपचार की, हर जगह रिश्वत और भ्रष्टाचार व्याप्त है। हमारे देश में ज्यादातर आम नागरिक भ्रष्टाचार का शिकार बनते हैं। जब वो डॉक्टर को दिखाने या पुलिस शिकायत दर्ज करने जाते हैं तो उनसे इसके लिए रिश्वत की मांग की जाती है। आमतौर पर ये वो लोग होते हैं जिनके पास रिश्वत देने की क्षमता ही नहीं होती है। देश की तरक्की में बाधा बनने वाली ये एक बड़ी समस्या है और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अपराध मुक्त देश क्या महज एक मिथक है? अपराध मुक्त समाज क्या महज एक कोरिकल्पना है? क्या दुराचार, व्यभिचार, हत्या और चोरी जैसे अपराधों से समाज को हमेशा के लिए कभी मुक्ति मिल सकती है? ये सवाल हर शख्स के जहन में हर उस वारदात के बाद उठते हैं जिनके बारे में जानने सुनने के बाद मन में गुस्सा पैदा होता है। किसी भी राज्य, देश या समाज के लिए अपराध एक बड़ी समस्या है। भारत में भी अपराध की जड़ें किसी वटवृक्ष की तरह जमी हुई हैं। कम होने के बजाय देश में क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। NCRB के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2018-19 में गंभीर अपराधों में 1.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। NRCB के मुताबिक भारत में 2019 में 52 लाख गंभीर अपराध दर्ज किए गए। आंकड़ों के अनुसार 2019 में हत्या के कुल 28,918 मामले दर्ज किए गए। हत्या के मामलों में से 9,516 मामलों में हत्या का उद्देश्य विवाद रहा और इसके बाद 3,833 मामलों में हत्या का कारण व्यक्तिगत रंजिश या दुश्मनी रही, जबकि हत्या के 2,573 मामलों में अपने फायदे के लिए वारदात को अंजाम दिया गया।
2019 में अपहरण के मामलों में 0.7% की मामूली गिरावट आई है। आंकड़ों के अनुसार 2019 में इन मामलों की संख्या 105,037 रही, जबकि 2018 में ये संख्या 105,734 थी। 2019 में मानव तस्करी के 2,260 मामले दर्ज किए गए। तस्करी के शिकार हुए कुल 6,616 लोगों में 2,914 बच्चे और 3,702 वयस्क शामिल हैं। तस्करी के 2,260 मामलों में 5,128 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2019 में आईपीसी के तहत दर्ज लगभग हर तीसरा मामला मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार, मौत का कारण, अपहरण आदि के बारे में था। संपत्ति के खिलाफ अपराध जैसी चोरी और आपराधिक विश्वासघात में लगभग 26% या 9,00,000 मामले शामिल थे। जाहिर है अपराध के आंकड़े डराने वाले हैं और चिंता बढ़ाने वाले हैं। एक समाज के तौर पर हम कहां जा रहे हैं, एक इंसान के तौर पर हमारी सोच कितनी अपराध युक्त हो गई है, ये आंकड़े बता रहे हैं। हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के तमाम देशों के लिए क्राइम एक बड़ी समस्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जहां नारी की पूजा की जाती है वहीं देवता का निवास होता है। लेकिन 21वीं सदी के 21 बरस के भारत में इन बातों को मानो भुला दिया गया है। हर दिन महिलाओं के साथ मानवता की दीवार को लांघती तस्वीरें हमारे सामने दस्तक देती हैं। कहीं महिला को जिंदा जला दिया जा रहा है तो कहीं हवस के भूखे भेड़िए उनको अपना शिकार बना लेते हैं। आंखें नम हो जाती हैं, गला रोने लगता है, मन कुंठित हो जाता है। जांच के नाम पर थोड़ी बहुत तसल्ली मिल जाती है, लेकिन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता। 1947 में भारत आजाद हुआ और इतने समय बाद भी महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी जाती है। कहने को तो भारत अब विकसित देशों की श्रेणी में आ गया है, लेकिन भारत की महिलाएं कितनी विकसित हुई हैं, इसका अंदाजा हर साल NCERB के जारी होने वाले आंकड़ों से समझा जा सकता है। NCERB की रिपोर्ट कहती है कि साल 2010 के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 7.5% वृद्धि हुई है। साल 2012 के दौरान देश में 24,923 रेप के मामले दर्ज हुए हैं, जो 2013 में बढ़कर 33,707 हो गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में साल 2019 में हर दिन बलात्कार के औसतन 87 मामले दर्ज हुए और पूरे साल में महिलाओं के खिलाफ 4,05,861 अपराध के मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े 2018 से 7% अधिक हैं। 2018 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,78,236 मामले दर्ज हुए थे। 8 साल पहले दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर दिया था। चलती बस में लड़की के साथ जिस तरह से दरिंदगी की गई थी, सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। निर्भया इस दुनिया से चली गई, लेकिन उम्मीद जगी कि अब इस देश में कोई और बेटी निर्भया नहीं बनेगी, लेकिन हम गलत साबित हुए। इस 8 साल के दौरान न जाने कितनी बेटियां दरिंदों की हवस की भेंट चढ़ गई। महिलाओं के सशक्तिकरण की चाहे जितनी बातें की जाए, लेकिन हकीकत यही है कि उनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव जारी है। कुल मिलाकर जब तक महिलाओं के प्रति सोच नहीं बदलेगी, तब तक महिला सुरक्षा के हर उपाय नाकाफी ही होंगे।